जलदाय विभाग की लापरवाही का खामियाजा नारीशाला रोड के दुकानदारों को भुगतना पड़ा। गुरुवार सुबह लाइन को दुरुस्त करने के बाद जैसे ही जलदाय कर्मियों ने सप्लाई चालू करी तो तेज प्रवाह में पानी चौराहे के आसपास बनी दुकानों में जा घुसा। सबसे अधिक नुकसान श्री सत्यसाई दूध डेयरी में हुआ। सप्लाई का गंदा और कीचड़ वाला पानी डेयरी में रखे दूध और घी में जा घुसा, जिससे दुकानदार का हजारों का नुकसान हो गया। वहीं मौके पर पहुंचे चंदावत जेएन ने ठेकेदार और उच्च अधिकारियों से घटनाक्रम बताकर पीड़ित को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। सवेरे के टाइम में लगभग 8 बजे के आसपास में वाटर बॉक्स का कोई कर्मचारी आता है सवेरे ये पाइपलाइन सप्लाई खोलने के लिए, तो यहाँ पर अभी कल और परसों के रोज भी ये ठेकेदार के द्वारा ये जो मेन पाइपलाइन है उसको जॉइंट को जोड़ा नहीं गया और वापस इनको खोद करके जगह जगह से खोद रखा है और जॉइंट को जोड़ा नहीं गया, उसके बावजूद भी वाटर बॉक्स के जो कर्मचारी थे उन्होंने आकर के यहाँ पे अभी लाइन को चालू कर दिया। लाइन चालू होते ही आसपास में ये जो दुकानें हैं वहाँ पर फव्वारा फूटा है एकदम पानी का, और जो भी ये आसपास में डेयरी है डेयरी के अंदर दूध जो भी घी वगैरह पनीर अनीर सबके अंदर कीचड़ वगैरह पानी सारा चला गया है और कम से कम 15-20 हजार का यहाँ पर नुकसान हुआ है। और जलदाय विभाग जो है अभी तक 1 घंटा होने को आया है, आईएन जईएन को फोन कर चुके हैं ना तो वो फोन उठाने के लिए तैयार है। हमने कर्मचारियों से जाकर के अभी बात की है, वो भी मौके पर नहीं आए हैं और कर्मचारी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। समस्या ये है जी, यहाँ पे इसका ये नारीशाला चौराहे के ऊपर वाटर नजदीक होने के बावजूद ये पाइपलाइन की खुदाइया कर करके रोड को खुला छोड़ देते हैं, पाइपलाइन का ज्वाइंट नहीं करते हैं। वाटर वालों की गलतियां ये है कि उन्होंने बिना किसी जानकारी लिए बगैर पानी का पाइपलाइन प्रेशर खोल देते हैं, जिसके कारण ये पानी का फवारा यहाँ पे कम से कम 15-20 फीट ऊंचा फवारा छूटा, जिससे इस डेयरी वाले की मतलब 15-20 हजार रुपए का नुकसान हो गया। 8-10 टंकी दूध की, 1 टंकी घी की, जिसके अंदर मिट्टी और पानी घुस गया। नई लाइन डाली, इसको हम इंटरकनेक्ट कर रहे हैं इस लाइन में, इस लाइन को वास कर रहे हैं, वास करके फिर इस पुरानी लाइन में जोड़ेंगे हम। वाश करते समय वाल ऑपरेट किए होंगे तो पानी इसमें आ गया, उछल के इसमें ड्रम में आ गया इनके। हाँ वो खराब तो वही नुकसान तो बात करते हैं ठेकेदार से और अधिकारियों से बात करके इसका जो भी जितना पैसा नुकसान हुआ करवा। पानी के बिलों में यकायक की गई दर वृद्धि से लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। गुरुवार को युवा कांग्रेस उत्तर विधानसभा महासचिव अंकुश राठी के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जलदाय मंत्री किरण महेश्वरी का पुतला फूंका गया। युवा कांग्रेसियों ने आक्रोश जताते हुए बताया कि पानी के बिलों में एकदम से 400% दर बढ़ोतरी कर दी गई, साथ ही बिलों का वितरण और भुगतान ठेके पर दे दिया गया, अब परेशान उपभोक्ता हो रहा है। इस मौके पर अनेक युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे जलदाय मंत्री किरण महेश्वरी का पुतला फूंका गया है युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा। इन्होंने 400% की बढ़ोतरी करी है बिल के अंदर एकदम से, और जलदाय विभाग ने सभी अपनी शाखा के अंदर हर विभाग को ठेके पे दे दिया है। आज जनता ने इनको विश्वास से मत दिया था कि हमारे अच्छे दिन आएंगे, आज अच्छे दिन तो आए नहीं, बद से बदतर दिन आ चुके हैं। आए दिन इनकी सप्लाई बंद हो जाती है, पाइपलाइन फूट जाती है, लोग बाग कतारों में खड़े रहते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इसका घोर अपमान करते मानते हैं इसको।